बिट्टू पुछा जी उन्होंने दादा जी की भी सरकार रही है अज तक कभी सुनो जो ध्यान ना जो कहते अज तक कभी जो देश आजाद होया कि 12 घंटे किसान झोना वेच के अपने घर गया पहली बार क्या 24 घंटे पेमेंट हुई पहली बार हुई 48 घंटे लिफ्टिंग हुई पहली बार हुई जेडी बिजली जिन्ना चे झोने का सीजन ही कोई पंजाब का किसान कह दे कि एक घंटा बंद हुई पहली बार हुई जीरो बिल आए पहली बार आए पंजाब के इतिहास जे बिट्टू जी को नहीं नज़र आ रहा जो उन्होंने कन्न अखा नहीं कम करते जो मीडिया अखबार नहीं पढ़ते तो मेरा कोई कसूर नहीं जो इतिहास पंजाब दे विच सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार कर रही है जो इतिहास रच रही है अज तक पंजाब के इतिहास किसी ने नहीं पहला तो ताडा धन्यवाद कि तुम टाइम कढ के आए दूजा साडा अज का प्रोग्राम जिहड़ा साढ़े महकमे का रूरल डिवेलपमेंट तो पंचायती राज महकमे लो ये प्रोग्राम हो रहा असी मतलब कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर 50% जिहड़ियां साडियां भैणां साडियां मावां साडियां धीआं जिहड़ियां पिंडां दीआं सरपंच ने मैंबर ने असी जदों पुराना देख रहे हैं कि साडियां धीआं भैणां सरपंच बन जांदियां पर उन्हां दा पति उन्हां दा फादर उन्हां दा भरा उन्हां नूं बाहर जाण लई अलाउ नहीं करदे वह बेचारिया ना वीडियो दफ्तर जांदियां ना DDP कि सो असी उस चीज़ लई सरपंचा नूं लेडी सरपंचा पंचा नूं जागृत करन वास्ते ये प्रोग्राम जिहड़ा शुरू किया अज तीसरा सैमीनार है इस तों पहला जिहड़ा अमृतसर ते जलंधर होया अज तीजा असी हर हफ्ते एक सैमीनार जिहड़ा करदे सो अज जिहड़ियां लुधियाणे जिले नाल संबंधित साडियां सारियां भैणां मावां धीआं जिहड़ियां सरपंच पंच ने जिला पुलिस दे मैंबर ने वो सारियां आई हैं बस उन्होंने ये कहना है कि वह अगे लग के पंजाब का विकास कर उन्होंने लोगों ने चुनिया अपने चुने हुए अधिकारों की वरतों कर आप कर खुद वरतों कर बस इस करके अज का प्रोग्राम जिहड़ा कोई पराली का जिहड़ा इशू है देखो सितंबर का शुरू होया झोने का सीजन 3-4 दिन बाकी सीजन रह गया तुहानू पता लगभग सारा खत्म हो गया एंड दे विच थोड़ा जा मालवे वाली बेल्ट दे विच संगरूर वगैरह थोड़ा जा पूसा जिहड़ी पलमन लाई सी रुकबावती लाई सी उहदे नाल मतलब जिहड़ा वह थोड़ा वधिया दो एक अद्धा दिन की हो समस्या पर जिन्हें असी प्रबंध किए साडे प्रबंध बहुत कारगर साबित होए वधिया होए जिन्हें असी वाला हुण तक किसानों नूं संद दित्ते किसानों ने वरतों भी की है और मेरा ख्याल दो दिन के बाद महाराज कृपा कर दूंगा सब ठीक हो सर जो ये सीजन आया सी ते मैं खेतीबाड़ी विभाग के सब अधिकारियों की मीटिंग की सब नूं कहा सीगा कि भाई जिहड़ा प्रदूषण असी गुरु नानक दे सिख है गुरु नानक साहब सानूं कहिंदे आ कि पानी ते हवा ते ताड़ी तत जिहड़ी आ इह साफ सुथरी होनी चाहीदी है साडी ड्यूटी है कि ना आपां अपने पंजाब दे विच प्रदूषण पैदा करिए ना कितें आंढ गुआंढ करिए सो जिहड़ा बंदा मैं उदों कहता ही कि जिहड़ा बंदा जिम्मेवारी नाल काम करूगा असी उह बंदे दा मान सम्मान भी करांगे जिहड़ा नहीं करूगा उहदे खिलाफ़ कार्रवाई करांगे सो कल जिहड़ियां साडे कोल रिपोर्टां आईआं जिहड़े जिहड़े ब्लाकां च एरिए च असर पिया जिथे ड्यूटियां सीगियां जिथे ड्यूटियां अफसर ने सही नहीं अपनी दवाइयां उत्थे सानूं एक कार्रवाई करनी पई पर साढ़े 95% अफसर जिहड़े आ उह बहुत डट के उन्होंने पंजाब के वख वख हिस्सों काम किया ते काम कर रहे हैं बिल्कुल नहीं जी तुहानूं कौन कहदा
ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਦਊਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਆ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਮਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਤਾ ਆਪ ਜੀ ਬਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ 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 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ 75 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹੀ ਧੋਖਿਆਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ 2500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ 1500 ਰੁਪਈਆ ਸੈਂਟਰ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 500 ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾ ਦੇ ਬਸ ਸੈਂਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਰਮੀ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਸੁਣਿਓ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਕਿ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਬੰਦ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਜੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ